आप देख रहे हैं ग्लोब टीवी झारखंड। मैं प्रज्ञा आपके साथ। आज आपके इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग के विषय में। आज हमारे बीच उपस्थित है श्री डीपी सिंह जी, जो सत्यानंद योग केंद्र जमशेदपुर के वाइस प्रेसिडेंट है एवं मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। उनसे आज हम योग के बारे में कुछ विशेष जानकारियां ले लेंगे, जिनसे हम हमारे दैनिक जीवन में स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं। सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम आलाप में आपका स्वागत है। मैं आपसे आपके संस्था के बारे में कुछ भी जानना चाहूंगी कि आप कैसे मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा से जुड़े हैं, तो इसके बारे में आप योगा के साथ कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं कुछ बताइए। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें स्वामी सत्यानंद जैसे गुरु मिले। एक्चुअली योगा से तो मैं 1966 से ही कर रहा हूँ, करीब 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया। और ये एक इसके एक तो विचित्र कहानी है कि हमारे एक मित्र थे, वो जब मैं कॉलेज में था 1966 में ग्रेजुएशन कर रहा था, गया कॉलेज से, तो एक मेरे मित्र थे, मयूर आसन कर रहा था ऐसा हाथ पर खड़ा होकर के मयूर आसन। मैं जब उनसे पूछा कि क्या है, तो बोला कि तुमको समझ में नहीं आ जाएगा, तुम जाओ हटो यहाँ से। तो ऐसा हमें धुतकार दिया कि हमारे दिल पर बहुत उसका गहरा छाप पड़ा और समझिए वही एक बीज पड़ गया। मैं तुरंत जाके बाजार से किताब खरीदा और जमशेदपुर आ गया और किताब देख देख करके मैं उसी समय योगा शुरू किए। उस समय एनसी वर्मा जमशेदपुर में टिस्को के डिप्टी कंट्रोल ऑफ अकाउंट से थे और अपने घर में क्लासेस लेते थे, तो मैं पता लगा करके उनके पास गया और बहुत दिनों तक उनसे सीखा। लेकिन हमें फिर आजमा की तकलीफ हो गई। उस समय डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद सिन्हा नेचुरोपैथी के यहाँ आते थे जमशेदपुर में, और मैं उनके पास जाकर के सारा हठ योग की क्रियाएं, वस्त्र होते, एक ही स्पीड कपड़ा खाना निकाल देना, सूत्र नीति वगैरह सारा सीखा। और उसके बाद हमें टाटा कंपनी के द्वारा मुंगेर 1980 में भेजा गया योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए। वहीं स्वामी सत्यानंद जी का दर्शन हुआ, उनसे दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद मैं एक महीना का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया 1980 में, और तब जमशेदपुर आए, और उसके बाद पूरा आरोग्य भवन में करीब 15 साल तक क्लास लिए। फिर टाटा कंपनी हमारा सर्विस TRF से टिस्को में ट्रांसफ़र कर दिया, और टाटा कंपनी के जितने डिपार्टमेंट हैं, माइंस, कोलेरी, सभी जगह जाकर मैं क्लासेस लिया हूँ। और शायद जमशेदपुर का कोई हिस्सा है कि छोटा है इन 50 वर्षों में, तो मैं समझिए करीब 50 वर्षों से ये योग का क्लासेस ले रहा हूँ, और स्वामी सत्यानंद जी का सानिध्य मिला, उनसे मैं योगा सीखा, तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने को समझता हूँ। और ये सब गुरु जी की कृपा है जो जिनके द्वारा सीखे हैं। और गुरु जी का आदेश था कि जमशेदपुर के लोगों के लिए कुछ कीजिए, तो मैं 2002 में यहाँ जो स्वामी सत्यानंद, स्वामी निरंजनानंद जी के जो शिष्य हैं, उन लोगों का सबके सहयोग से एक संस्था बनाए, सत्यानंद योग केंद्र। उस समय हम उसके सेक्रेटरी थे, अभी तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हो गया हूँ। और हम लोग केवल यही नहीं, बल्कि अभी भी हम DC और SSP का क्लासेस ले रहे हैं, तो SSP के माध्यम से पूरे पुलिस विभाग का फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे पुलिस विभाग का, जिसमें 100 आदमी थे पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी, तो उनका क्लासेस हुआ था गोलमोरी कलम में एक महीना का पिछला साल। फिर साक्षी जेल में कैदियों का क्लासेस जा करके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब कोई चार्जेज नहीं लगता है। हम लोग ऐसा जब जरूरत होता है तो हम लोगों को ऐसा चलते रहता है। और साल में बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल योगा डे होता है हम लोगों को, जो कि तीन प्लेट कंपनी के सहयोग से तीन प्लेट कंपनी के मैदान में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें करीब 2000 बच्चे एक साथ योगा करते हैं। जी बहुत अच्छा, मतलब आप लोग योग को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, नए पीढ़ी को इसके साथ जोड़ने के लिए बहुत अच्छा मतलब सराहनीय कदम ले रहे हैं। और आपका मतलब जो स्वामी सत्यानंद जी वो आधुनिक योग को बहुत आगे, हाँ, तो उनको तो वो तो अभी तो वर्ल्ड का फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है मुंगेर। उसके बाद और अभी पिछले साल इंटरनेशनल योगा डे में
प्रधानमंत्री अवार्ड मिला मुंगेर को, इंडिया में केवल वही बिहार स्कूल योगा को ही मिला है। मैं आपसे योग के महत्व के बारे में जानना चाहूंगी, योग क्या है? योग हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन परंपरा है और यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और योग के कई लाभ हैं और इसका इतना महत्व है कि अपने जीवन में अगर इसको शामिल किया जाए और इसको नित्य अपने रूटीन में शामिल कर इसका अभ्यास निरंतर अगर किया जाए तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर, मन पर, उसकी भावना पर बहुत सार्थक पड़ता है और उसके जीवन में एक अमूल परिवर्तन आता है। तो इसलिए योग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो हमारे जीवन में योग बहुत आवश्यक है और इसको करना चाहिए। अच्छा, योग से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे बीमारियों का सम्मुखीन होना पड़ता है हम लोग को, तो किस तरह से इन बीमारियों से हम योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, बीमारियां अगर के बारे में अगर आप सोचें तो बीमारियों के कई कारण होते हैं और इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो जीवन है और हमारा जो रूटीन वर्क है तो उसमें एक अमूल जो रहन सहन का स्तर है, जो डेली रूटीन वर्क जो है उसमें एक अमूल परिवर्तन करना चाहिए लोगों को और उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो यही नहीं जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, हमारा भोजन क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, हमारी निद्रा कितनी होनी चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कितनी नींद होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, हमारा रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये सब में आदमी इसके बारे में लोग कुछ सोचता नहीं है और खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं होता है, पानी कितना पीना चाहिए ये भी नहीं जानता है। तो ये सब पहले आदमी को दैनिक जो रूटीन है उसको ठीक करना चाहिए। योग अपना जीवन में रहने का एक तरीका बताता है। योग का मतलब नहीं है कि केवल हम आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये तो है, लेकिन उसके पहले आपका जो नियम है जो जीवन में रहने के लिए अपना जो रूटीन वर्क है उसको ठीक करना चाहिए आदमी को। जैसे कि आजकल के व्यस्त जीवन में लोग बहुत बिजी हो गए हैं अपने डेली शेड्यूल में तो टाइम निकाल नहीं पाते हैं, जैसे ड्यूटी जाने पर फिर लौटते रात हो जाता है, तो उस डेली रूटीन में आप योगा के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं, आप क्या राय देंगे इसके बारे में? देखिए, चूंकि हमारा जीवन व्यस्त हो गया है इसलिए योगा और आवश्यक हो गया है। अगर आप कंपेयर करें पुराने जमाने के लोगों से जो हमारे दादा परदादा रहते थे तो मीलों पैदल चलते थे, महिलाएं चक्की चलाती थी, आटा निकालती थी अपना हाथ से, तो उससे उनका एक्सरसाइज होता था। हम लोग कपड़ा धोते थे तो साबुन लगा करके हाथ से पूरा उसका, तो हाथ का एक्सरसाइज, आर्म्स का, चेस्ट का एक्सरसाइज होता था। महिलाएं मसाला पीसती थी सील पत्थर पर, पहले ये ग्राइंडिंग मशीन नहीं था तो उससे आर्म्स का एक्सरसाइज होता था। महिलाएं स्कॉटिंग पोज में बैठ कर करके खाना बनाती थी चूल्हा पर, अभी तो गैस चूल्हा हो गया तो खड़ा खड़ा खाना बनाना है, तो उससे उनका एक्सरसाइज होता था। खाना भी पहले लोग पालथी मारकर जमीन पर बैठकर खाते थे, लेकिन अभी तो डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो उनका पैर तो कभी मुड़ता नहीं है, कमोड में टॉयलेट जाते हैं, इंडियन स्टाइल को छोड़ दिए हैं। तो इन सारे जो काम था, जो आवश्यक काम था, वो खत्म हो गया है, अभी है नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का लाइफस्टाइल हो गया है, वो बहुत परिवर्तन हो गया है। तो हम लोग साइंस से डेवलपमेंट हुआ है लेकिन हम इतना आरामदायक जीवन बिताने लग गए हैं कि जो आवश्यक कार्य था वो बंद हो गया है, कहीं भी हम एक मील पैदल भी नहीं चल सकते हैं, कहीं भी थोड़ा दूर भी जाना हो तो गाड़ी का सहारा लेते हैं, पैदल चलते ही नहीं हैं। तो ये सब का हमारा बोलने का मतलब यह था कि ये सब का फल ये हुआ कि हमारा जो शारीरिक मेहनत था वो बंद हो गया है
और हम लोग अभी भाग दौड़ के जिंदगी में लग गए, हमारा जीवन व्यस्त हो गया है, बस यही सोचते हैं। तो आदमी को कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, कुछ समय, जैसे घंटा दो घंटा, तो उसमें कुछ भी, जैसे कि वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, कुछ भी शारीरिक मेहनत करता है, और अपना रहन सहन को ठीक रखें, खान पान को ठीक रखें, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी। महिलाओं के लिए जैसे कुछ महिला के संबंधित जो बीमारियां होता है, तो इसके उसके बारे में आप क्या विशेष सलाह देंगे, कुछ विशेष योग? देखिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, और महिलाओं को परमात्मा थोड़ा सा पुरुषों से थोड़ा सा अलग बनाया है, उनको एक सौभाग्य होता है माँ बनने का, एक तो अवसर मिलता है माँ, तो इसलिए उनका शरीर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, पुरुषों से थोड़ा भिन्न है, तो इसलिए महिलाओं को तो थोड़ा और ज़्यादा सजग होना चाहिए, पुरुषों ऐसे तो स्वास्थ्य तो दोनों को ठीक रखना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा इसलिए कि उनको माता बनने का अवसर मिलता है, और उनको एक जो स्त्री रोग जो होता है, जो गायनिक प्रॉब्लम कुछ होता है, जैसे कि पीरियड्स में गड़बड़ी हो गया, अनटाइमली हुआ, या कुछ ऐसा जो होता है, तो वो सब भी अगर योग निरंतर करेगा तो उसका प्रभाव उनके शरीर पर बहुत अच्छा पड़ता है, खास करके वैसे आसन जैसे कि बैकवर्ड बेंडिंग जितने भी आसन है, जैसे भुजंग आसन है, या सलव आसन है, अर्धसलव आसन है, इन आसनों का अभ्यास करने से क्या होता है कि रक्त का प्रवाह ये नाभि के क्षेत्र में ज़्यादा होता है, और उससे उनका गायनिक प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाता है। साथ में महिलाएं ज़्यादा सहनशील होती है, और पूरा घर जो है उन्हीं के ऊपर में निर्भर करता है, इसलिए अगर योग का अभ्यास करेंगी, थोड़ा सा आसन, थोड़ा प्राणायाम, और थोड़ा रिलैक्सेशन, हाउ टू रिलैक्स देयर बॉडी एंड माइंड, तो ये सब करने से क्या होता है कि मन उनका शरीर जो है बैलेंस रहेगा, और बैलेंस रह करके घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं, साथ साथ में शरीर भी ठीक रख सकते हैं, इसलिए उनको तो और ज़्यादा आवश्यक है कि योग का अभ्यास करें।